हाय, मैं अक्षत कुमार और ये फिल्मी मीडिया आप में सब देख रहे हैं चंदू चैंपियन कार्तिक आर्यन से इंटरेक्शन चंदू चैंपियन के लिए। ये मेरे लिए लाइफ चेंजिंग रोल रहा है और ये लाइफ चेंजिंग फिल्म है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि I'm really proud of this film and I just hope that everyone sees this film and सब लोग थिएटर में आके इसको देखे और enjoy करे and बस वो मुझे actually लगता है कि ये मेरे करियर की, जैसा मैंने पहले भी बोला कि toughest film है, toughest role है और जैसा अभी तक ट्रेलर में देखे हैं या कोई भी एसेट्स पे अभी तक आपने देखा होगा वो मेहनत तो आपको दिखी रही होगी। आई जस्ट होप कि आपको वो एंटरटेन भी उतना ही करे एंड सो फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर 14th of June एंड या थैंक यू। कबीर सर, आपने टाइगर जिंदा है और टाइगर के सारे ही पार्ट्स बनाए हैं, तो ये फिल्म जब आपने बनाया तो सबसे पहले क्या आपके दिमाग में कार्तिक आर्यन ही थे या कोई और स्टार? मैंने एक्चुअली टाइगर का सिर्फ पहला पार्ट बनाया, एक था टाइगर, सीक्वल्स मैंने नहीं बनाए। तो कमिंग टू दिस, हाँ आई थिंक कार्तिक वॉज वेरी क्लियर, जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में भी कहा था कि एक मैं जब एक्टर से मिलता हूँ और मेरी कास्टिंग डिसीजन वो एक्टर्स के पहली फिल्मों के बेसिस पे नहीं होती है, आई डोंट वांट टू रिपीट व्हाट द एक्टर्स ऑलरेडी डन, इसलिए you know, even if you see my past films, different actors have played characters which are not, मतलब जो पहले कर चुके हैं वो नहीं कर रहे थे। बजरंगी भाईजान में सलमान was not being an action hero, it worked for me. Similarly, John in New York or Ranveer in 83. Similarly, for Kartik, acting तो इनके मैं देख चुका था, लेकिन मुझे बस ये देखना था कि जो मुझे एक specific requirements चंदू चैंपियन के लिए चाहिए वो इनके personality में जब उनका उसका झलक आ रहा है या नहीं, और वो मुझे आया तो मैंने डिसाइड किया कि हाँ डेफिनेटली कार्तिक वुड बी एबल टू प्ले रोल, बिकॉज ऐसे यूनिक कुछ एलिमेंट्स हैं जो एक्चुअली सिर्फ कार्तिक में है इस टाइम, एंड आई न्यू कि उसको एक्सप्लॉइट करना है मुझे चंदू चैंपियन के लिए, एंड दैट रियली टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस, क्योंकि आई थिंक हम दो एक जर्नी ऑफ डिस्कवरी हम दोनों के लिए साथ में थी, क्योंकि हमने क्या होता है ना कि हाथ पकड़ के आप कूद जाते हैं एंड देन यू ग्रेजुअली डिस्कवर एंड देन when you actually start shooting the magic begins to happen, aur wo jab magic hota hai wo aapko mehsoos ho jata hai ki acha ye ab ho raha hai, everything is falling into place, the universe conspires and everything begins to fall into place, and chandu champion is one such film jahan har cheez jo hum chahte the wo kisi tarike se correct place aur correct position mein aake baith jati thi, chahe wo music ho, chahe wo hamare co-stars ho ya hamare locations ho ya जिस तरीके से हमने सीन्स सोचे थे और पेपर पे हमें बहुत लोग प्रभावित करते थे वो उस सीन्स शूटिंग के टाइम और आगे चले गए, और वो ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैं कहता हूँ, एक अच्छी फिल्म ये वो होती है जो अपने स्क्रिप्ट की 90% कैप्चर करती है, इसमें हमें लग रहा है कि हम 110% चले गए, एंड दैट्स व्हाई वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस। हाय कार्तिक, हाय कबीर, हेलो, किधर है? अच्छा, कार्तिक माय क्वेश्चन टू यू, जैसे मिस्टर फ्रेडी और सत्य प्रेम की कथा थी, मतलब काफी डिफरेंट कैरेक्टर्स थे इस मूवी में, डिफरेंट कैरेक्टर हैं, तो मतलब कितना डिफिकल्ट होता है एक कैरेक्टर से दूसरे कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्म होने में, अगर आप नए एक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? आई थिंक मेरा फिजिकली बहुत ही डिफिकल्ट हो गया था, क्योंकि फ्रेडी में वेट गेन किया था और उसको फिर हटाना था पूरा चंदू चैंपियन के लिए, तो वो एक्सटर्नली बहुत ज्यादा मेरे लिए डिफिकल्ट हो गया था। इंटरनली ऑल्सो व्हाट हैपेंस इज कि कई बार आप एक कैरेक्टर में इतना घुस जाते हैं कि वो थोड़ा सा एक 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 आप थोड़ा सा सोचने लगते हो उसके बारे में ज्यादा, उस तरीके से ज्यादा, या बात करने का तरीका, फॉर एग्जांपल सत्तू में मैं गुजराती डायलेक्ट में बात कर रहा था और फिर उसके बाद तुरंत बाद यहाँ पे मराठी डायलेक्ट में बात कर रहा था, तो वो और मैं तो मेरे सारे वर्ड्स ना बहुत मिक्सअप होने लग गए थे मेरे दिमाग में, क्योंकि एक साल तक वो कर रहा था फिर अभी पिछले 2 साल से ये कर रहा हूँ, सो तो काफी चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें जो अचानक से आपको अचानक से शिफ्ट करना होता है, तो इट टेक्स टाइम। नाउ मतलब अभी
फॉर एग्जाम्पल मैं चंदू चैंपियन खत्म किया था और तुरंत उसके बाद भूल भुलैया के सेट पे गया था, तो सडनली मुझे एक्चुअली ऐसा लगा कि मैं ज्यादा एक्टिंग तो नहीं कर रहा, क्योंकि तो वहाँ पे क्योंकि एकदम वो गैग्स है, कॉमेडी है, तो अचानक से अलग तरीके का वहाँ पे काम करने का तरीका होता है। तो वो हर किस्म की अलग अलग कैरेक्टर अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके आपको अपनाने पड़ते बट आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर। मैं जैसा जैसा सर ने कबीर सर ने मुझे यहाँ पे बोला करने को, मैं वो फॉलो करता रहा एंड दैट्स व्हाई यू आर सीइंग अ न्यू मी फ्रॉम द ट्रेलर्स एंड आई होप व्हेन यू सी द फिल्म तब भी आपको ये लगे। तो इट्स हाफ द बैटल इज वन जब आपके पास ऐसे डायरेक्टर। हाय कार्तिक इन फ्रंट सामने बिल्कुल सामने नीचे सर नीचे ये सामने यार ऐसे आप ना वोट भी नहीं ला रहे हो सिर्फ आंखें दिख रही हैं। हाँ टैलेंट। तो सवाल ये है कि फिल्म में आपका जो है एक पूरी जर्नी दिखाई है, आपके लुक्स बहुत बदले हैं आपने इस फिल्म में, एक आपका एजेड रोल जो एंड में जिसमें ट्रेलर एंड होता है जी, थोड़ा सा उसके बारे में जानना चाहूंगा सर। वो सरप्राइज पैकेज है एक्चुअली फिल्म में, वो काफी मजेदार टाइम है और कैरेक्टर का जब जिस तरीके से वो अपने एक्सपीरियंस से सारी चीजें जोड़ गुणा भाग करके अब वो जैसे बातें करते हैं और जो बातें करते हैं वो आई एंजॉयड प्लेइंग दैट पोर्शन आल्सो अ लॉट द ओल्ड पार्ट एंड वी हैड फन व्हाइल शूटिंग दैट पोर्शन बिकॉज उसमें कुछ अलग ही सुर था एक जिस तरीके से वो बात कर रहा था जिस तरीके से उनकी सिचुएशंस थी वहाँ एंड आई रियली थिंक दैट इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फिल्म जो विच इज़ वेरी अनयूजल आई थिंक एंड ऑल्सो फॉर माई ऑडियंस ऑल्सो देव नेवर सीन मी लाइक दैट। तो वो एक अलग चीज़ है उसके लिए बस सबसे ज़्यादा जो फन पार्ट नहीं था वो ये था उसके लिए मुझे 6 घंटा प्रोस्थेटिक के लिए जाना पड़ता था, वो प्रोस्थेटिक लगता था। तो कभी सुबह अगर 10 बजे का कॉल टाइम है तो मुझे या मेरी टीम को 4 बजे या सुबह 3 बजे आना पड़ता था उसके लिए ताकि तब तक 9 बजे तक हम तैयार हो जाए वो पूरे गेटअप पे। सो इट यूज टू टेक टाइम बट इट वाज अगेन वर्थ इट जिस तरीके से उसमें सीक्वेंसेस या वो सीन्स परफॉर्म करने का जो मौका मुझे मिला वो अनरियल एक्सपीरियंस था। हो गया तेरा चलें चलो 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 अभी तो नीचे ही जाना है।